मॉर्निंग बच्चों, आज हम बेटा पढ़ेंगे पार्ट एक फोन के अभ्यास का। कल हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर लिखे थे, आगे इसके अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस हम आज लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कल 3 तक हो गए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न 4, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न से लग रहा है कि बसंत को ऋतुराज, क्योंकि ये ऋतुओं का राजा होता है। इसका आंसर लिखिए। बसंत अर्थात कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक राजा के आगमन पर एक राजा के आगमन पर उसका सारा राज्य सुसज्जित हो जाता है, उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर उसका सारा एक राज्य उसी प्रकार बसंत ऋतु के आगमन पर जैसे हरियाली छा जाती, बसंत ऋतु के आगमन पर सारी धरती क्या होती है? हरे भरे पेड़ों से सारी धरती ही हरे भरे पेड़ों एवं रंग बिरंगे फूलों
करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इस तथ्य की पुष्टि आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि कई ऋतु होती हैं, इन ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या असर होता है, तो इसकी पुष्टि हम कैसे कर सकते हैं? लिखिए आंसर इसका। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मिलता
जीवन पर गहरा असर पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसे आप सुंदर सुंदर सी राइटिंग में कॉपी में करेंगे और अपना वर्क यहाँ तक कंप्लीट करेंगे।